हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इस वीडियो की रिक्वेस्ट मेरे पास बहुत टाइम से आई हुई थी, तो चलिए देख लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपसे मेरी आने वाली कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए देख लेते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आपने रिक्वेस्ट में मुझसे ये बोला था कि मैं अपने बाल पूरे फेस पर आगे की तरफ गिराकर अपने बालों में फिर मैं ब्रश करूं या कॉम्बिंग करूं। और आपने मुझे ये भी बोला था कि मुझे ऑयल वाले बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो ऑयल मत लगाइए आप अपने बालों में जब आप ये ब्रश करेंगे अपने बालों में। तो मैंने ऑयल नहीं लगाया हुआ है। और वैसे भी मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ आपको फ्रेंड्स, कि मैं कभी भी डेली में अपने बालों में ऑयल नहीं लगाकर रखती हूँ। मुझे ज्यादा ऑयल लगाना पसंद नहीं है, लेकिन हाँ जब भी मैं अपने बालों को वॉश करती हूँ तो मैं ऑयल जरूर लगाती हूँ। यानी कि हफ्ते में 3 बार मैं अपने बालों को वॉश करती हूँ, 3 से 4 बार, तो तभी मैं ऑयल लगाती हूँ। और अदरवाइज मैं अपने बालों में कभी ऑयल नहीं लगाती हूँ, मतलब पूरा दिन ऑयल नहीं लगाकर रखती हूँ। और जैसा कि आप देख भी सकते हो, तो मेरे बालों में अभी इस वक्त ऑयल नहीं लगा हुआ है। ये देखिए, मैंने अपने बालों में शैम्पू किया हुआ है। तो चलिए अब मैं आपको कर दिखाती हूँ अपने बालों में ब्रश। तो पहले मैं अपने बालों को सुलझा लूंगी अच्छे से। तो यहां पर मैं अपने बालों को सुलझा चुकी हूं और अब मैं ब्रश कर रही हूं, जैसे कि आप देख सकते हो। तो आपने देखा कि मैंने अपने फेस पर बाल आगे की तरफ गिराकर ब्रश कर लिया है अपने बालों को अच्छे से। और ज्यादा मैं ब्रश का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि इससे हेयर फॉल की प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा हो जाती है नहीं तो। और अभी आप देख सकते हो सिर्फ मेरे 2 से 4 ही बाल सिर्फ टूटे हैं, ये एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा ब्रश का इस्तेमाल करते हैं तो आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। और इसलिए मैं बहुत ज्यादा ब्रश का हेयर ब्रश का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं ज्यादातर कॉम्ब ही इस्तेमाल करती हूँ। ये सिर्फ आपने बोला था तो मैं आपकी रिक्वेस्ट पर कर रही हूँ। तो मैं अपने सारे बाल आपको कॉम्ब कर दिखा देती हूँ। एक चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी टिप देना चाहती हूँ कि जब भी आपके बाल गीले हो ना, तो गीले बालों में कॉम्बिंग बिल्कुल मत कीजिएगा। और जब भी आप ब्रश करते हैं ना, तो बालों को अच्छे से सुलझाने के बाद ही ब्रश का इस्तेमाल कीजिएगा, और बालों को सुलझाने के लिए ब्रश का इस्तेमाल मत कीजिएगा। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे हेयर फॉल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। तो आप देख सकते हो मैंने ब्रश कर लिया है अपने बालों में, ये देखिए। अब मैं आपको अपने बालों को साइड पर करकर भी कॉम करकर दिखा रही हूं। तो देखिए मैंने कॉम्बिंग कर ली है। अब मैं आपको बैक कॉम्बिंग भी करकर दिखा देती हूँ अपने बालों को पीछे की तरफ करकर। तो दोस्तों, आपने जैसा कि मुझे बोला था कि मैं अपने बालों को ब्रश करते हुए और कॉम्बिंग करते हुए आपको दिखाऊं, वो भी विदाउट ऑयल, तो मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी आज की वीडियो। पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा। एक चीज और बताना चाहती हूँ जाते जाते दोस्तों, कि आपने मुझे लाइव स्पीकिंग की वीडियो का बोला था। मैं आपको बता दूं कि लाइव की प्रॉब्लम मेरे फैमिली मेंबर में किसी को भी नहीं है, मेरे घर में किसी को भी नहीं है, किसी भी फैमिली मेंबर को प्रॉब्लम नहीं है, ना ही मुझे है। और आप देख सकते हो मेरे सिर में डैंड्रफ भी नहीं है, ये देखिए
मैं आपको दिखा देती हूँ बकायदा, डैंड्रफ की लीकों की प्रॉब्लम किसी को भी नहीं है। तो दोस्तों आप भी प्लीज इस चीज को समझिएगा, मैं कैसे उस टॉपिक पर वीडियो बना दूं जो प्रॉब्लम किसी को है ही नहीं, मेरे फैमिली मेंबर में किसी को भी दूर दूर तक ये प्रॉब्लम नहीं है। और मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ कि ये प्रॉब्लम कभी होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गंदे वाली प्रॉब्लम है। मुझे चूहे वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं इसीलिए अपने बालों की बहुत ज्यादा केयर करती हूँ ताकि ऐसी प्रॉब्लम कभी हो ही ना, क्योंकि गंदगी की वजह से भी अक्सर चूहों की प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस ये चीजें मैं आपसे बताना चाहती थी और आई होप कि आप मेरी प्रॉब्लम को समझेंगे और इस चीज को भी समझेंगे। सो दोस्तों यही थी मेरी आज की वीडियो, आशा करती हूँ कि आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और पसंद आए तो प्लीज फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा। और आप मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी। मैं आपसे मिलती हूँ और भी अमेजिंग सी वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।